आज मैं सुई धागे से एकदम नवरात्रि वाले कलरफुल इयररिंग्स बनाने वाली हूँ, बिना किसी पेन, बिना किसी जंप रिंग, सिर्फ सुई और धागे से बनाने वाली हूँ। तो एंड तक देखना, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे मैंने फेल्ट शीट ले ली है। फेल्ट शीट को मैंने सर्कल शेप में कट कर लिया है स्टेंसिल की हेल्प से। आप भी कैसे भी कर सकते हो, राउंडर से भी कर सकते हो शेप दे के। और यहाँ पे मैंने थोड़ा ग्लू लगा के और काउरी शेल्स जो है वो चिपका दिया। और यहाँ पे सुई धागा ले लिया है। धागे को कुछ पीछे से इस टाइप से पैक कर देना है सुई में से निकाल के। अगर आपको नहीं पता है तो, वैसे तो ये कॉमन है, सबको पता रहता है, बट फिर भी किसी किसी को नहीं पता रहता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। सिर्फ फिंगर से आप फोल्ड करोगे और वो बन जाएगा। अब आपको ना सुई जो है वो फेल्ट शीट के बैक साइड से लेनी है, क्योंकि बिल्कुल भी थ्रेड जो है वो दिखना नहीं चाहिए। तो हम पीछे से पहले सुई आगे कर लेंगे, फिर जहाँ पे हम काउरी शेल में जंप रिंग या कुछ अटैच करने के लिए लगाते हैं वहाँ पे इसे हम पीछे से सुई निकालेंगे। और इसमें मैंने 4 पिंक वाली और 2 ऑरेंज वाली बीड्स डाल के और फिर पीछे से फिर से मैंने इसको सिल दिया है अच्छे से। आपको ध्यान रखना है कि थ्रेड सामने बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। और इस तरीके से अब मैं पास में मैं बीच वाला भी जो है साथ में करती जा रही हूँ, सिर्फ काउरी शेल नहीं कर रही हूँ, पूरा ही कंप्लीट कर दूंगी मैं। तो आपको ये धागे का भी ध्यान रखना है, जब आप सिल रहे हो तो धागा ना इधर उधर जाता है, तो अगर इधर उधर गया तो ये कहीं पर भी अटक सकता है और आपका जो फिनिशिंग है वो भी नहीं आएगा, और प्लस आगे का प्रोसेस भी हो सकता है अटक जाए। इसलिए आपको धागा भी ध्यान रखना है कि इधर उधर नहीं मुड़ जाए। और बीच बीच में मैंने पर्ल्स और जो पिंक वाले बीड्स है वो डाले हैं, तो उससे ना लुक काफ़ी सुंदर आएगा। तो ये देखो, इस तरीके से कुछ सिलना है, बार बार पीछे जाना है और आगे आके बीड्स लगाना है और फिर से फेल्ट शीट के पीछे जाना है। वैसे करके हम पूरा इसको सिल लेंगे। मैंने स्पीड में इसलिए कर दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो, इसलिए मैंने स्टेप जो है स्किप नहीं कर और स्पीड बढ़ा दी है, ताकि अगर आपको समझ में आ गया हो तो इट्स गुड, अगर नहीं आया हो तो आप स्पीड स्लो करके भी आराम से देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से पूरा वर्क किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है और थ्रेड अभी पीछे है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें मुझे लटकन बनानी है, तो पर्ल्स की लटकन मैं बना रही हूँ। आप चाहो तो किसी और चीज़, कॉइन्स या किसी की भी बना सकते हो, लॉरियल पर्ल्स वगैरह की, बट मैंने इसको सिंपल रखा है क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम स्टिच करके पूरा बना रही हूँ। ईयरिंग वो मतलब कुछ भी बिना यूज़ के सिर्फ सुई धागे की हेल्प से बना रही हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मैंने बोला पर्ल्स वाला सब पे चल जाता है। तो इसमें मैंने क्या किया है, 5 मीडियम साइज के पर्ल और एक बड़ा पर्ल लिया है। तो सुई में आपको सबसे पहले ये पर्ल डालने हैं और बड़े वाले को छोड़ के जो छोटे वाले हैं उनसे पूरा सुई निकालते हुए आपको जाना है, ताकि वो कैसे पूरा पैक हो जाएगा। और फिर फेल्ट शीट में आपको पीछे से आगे सुई निकाल लेनी है और फिर से पीछे करके फिर सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप देख सकते हो, देख के आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आप करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो सिंपली क्या करना है, 5 पर्ल्स डालने हैं छोटे वाले, फिर एक बड़ा डालना है, बड़े वाले को कुछ नहीं करना है, और वापस जाते वक्त चारों पांचों पर्ल्स में से हमको निकाल लेना है। तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। और फेल्ट शीट फिर मैंने सेम शेप की काट दी और उसको ग्लू से अच्छे से चिपका दिया, और मैंने ना बीच में मिरर भी चिपका दिया था ताकि लुक और अच्छा है। और फाइनली मैंने ईयर स्टड लगा के उसको ड्राई कर दिया और हमारा ईयरिंग्स इतना प्यारा बन के रेडी हो गया है। तो यार प्लीज़ एफर्ट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय।